गिर आए। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रकोष्ठ के तत्वावधान में लोनी की राशि देगली गेट के सामने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर जहां क्षेत्र को एकजुटता का संदेश दिया गया, तो वहीं कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता मिर्जा आफताब बेग को नगर अध्यक्ष पद से भी नवाजा गया। शान मोहम्मद के कुशल संचालन में दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मिर्जा आफताब बेग को नगर अध्यक्ष पद का मनोनयन पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और पदाधिकारियों में यामिन मलिक, जिला अध्यक्ष फजलुर राणा, मोहम्मद आलम, इलियास ठेकेदार, अख्तर अली, नवाब चेयरमैन मेजर बी के बाबू, खालिद चौहान, हसमत अली, अकबर चौधरी, सरफराज सैफी, लियाकत चौधरी, अख्तियार बेग सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर खुशी जताई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बड़ी खुशी हो रही है आज सभी पर और मैं सभी का स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया, हमारे बीच आज ये दिखाया है कि लोनी में जो फैसला जाता था समाप्त और भाजपा के द्वारा कि लोनी के अंदर उठाजी और लोनी के लोग अलग अलग खेमों में बैठे हुए हैं, तो आज वो लोग अपनी आगे खोलना देख लो, लोनी में कोई उठाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस एक मंच पर बैठी है। जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं देश में, किसान विरोधी, युवा विरोधी, मुस्लिम विरोधी,
उजागर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, उसी संदर्भ में अभियान हो। आपको क्या लगता है जो आपका फेरू को जो नगर अध्यक्ष बनाया गया है कितने कामयाब होंगे? आपका सर जी युवा नेता है और आज इन्होंने अच्छा जो है वो जनसमुद उठाया है, उससे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अधिक काम करेंगे। और युवा क्या कहेंगे उसके बारे में? जो ये बड़े हमारे अध्यक्ष साहब ने जो हमें जिम्मेदारी दी है या हमें पहले हैं, इसका पूरा इंशाल्लाह वो ही पूरी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह उनके साथ करने से कंधा मिला के चलेंगे और पार्टी में पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे भाई इधर उधर भटके हैं इंशाल्लाह सबको जोड़ेंगे, पार्टी में मेहनत करेंगे। लोनी के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोनी के युवा अभी तो खैर उनसे उन्हें जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ मेहनत। आज हमने नियुक्ति की है नगर अपने साथ उसको हर वार्ड में जोड़े। आज लोनी में हमने जो है हमारे युवा साथी आफ्ताब से जो लगातार लोकतंत्र कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे उन्हें हमने मान सम्मान देने का काम किया और उन्हें लोनी का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया। और हमने उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से वो आज जमीनी स्तर पर युवाओं के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस लोगों के लिए जो आज वो काम कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो आगे काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे वो अल्पसंख्यक और युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम। एक नया जुमला जो मोदी जी अक्सर फेंकते हैं वो नलकी सौर गुजर अपने आप को फेमस करने के लिए फेंकते हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन भड़काऊ भाषणों पर न आकर वो सिर्फ लोनी के मुद्दों पर आए जो लोनी के विकास है उनकी। आज जो हमारा सम्मेलन था बेग साहब को नगर अध्यक्ष बनाया गया है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा है कि आज युवाओं में ऊर्जा बढ़ी है और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जब युवाओं को मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ेगी। और मैंने देखा है सबसे पहले भी मैंने देखा है लोनी नगर लोनी विधानसभा को यहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था। जब से मेरी युवा पीढ़ी आई है जिला अध्यक्ष यामिन मलिक साहब चौधरी अकबर चौधरी साहब और हमारे युवा साथी बेग साहब ऐसी युवा पीढ़ी जब आएंगी तो कांग्रेस में एक ऊर्जा बढ़ेगी।